हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं ड्राई फ्रूट लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे ठंड में कमर दर्द, घुटनों में दर्द या फिर सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स आती है, ये एक लड्डू सुबह खा लेंगे तो इन चीज़ों में काफ़ी आराम मिलता है। साथ ही इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और उनके दिमाग को मजबूत करता है। हमने इस लड्डू को शुगर फ्री बनाया है, तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पैन रखा है गैस पर, गैस ऑन कर लिया। इसमें एक चम्मच देसी घी डालेंगे। अब हम इसमें एक कप बादाम डालेंगे। इस बादाम को हमने 2 से 3 टुकड़ों में काट लिया है। इसे लो टू मीडियम पर 2 मिनट फ्राई करेंगे। इसे लगातार चलाते हुए हम 2 मिनट फ्राई करेंगे। घी में फ्राई करने से ड्राई फ्रूट की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, साथ साथ इनका टेस्ट भी बढ़ जाता है। अब इसमें जाएगा 1 कप काजू कटा हुआ। ये भी काजू को भी हमने 3 से 4 टुकड़ों में काट लिया है। दोनों को लगातार चलाते हुए भुनेंगे लो टू मीडियम पे। ठंड में ड्राई फ्रूट का लड्डू बनाकर खाएंगे और बच्चों को भी खिलाएंगे। ये लड्डू इम्यूनिटी बूस्ट करता है, तो हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं हम। तो सेम पैन में हम 1/2 कप पिस्ता कटा हुआ डालेंगे। फिर से हम 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे भी भुनेंगे। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अब इसमें जाएगा 1 कप किशमिश। अब दोनों को लगातार चलाते हुए हम अच्छी तरीके से भुनेंगे। टोटल इसे 2 मिनट भुनना है लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, नहीं तो ड्राई फ्रूट जल जाते हैं। इसे भी निकाल लेते हैं। तो सेम पैन में हम फिर से 1 चम्मच घी डालेंगे। अब यहाँ पर हमने 4 बड़ा चम्मच पंपकिन सीड लिया है, जिसे हम कद्दू के बीज कहते हैं, और 4 बड़ा चम्मच सूर्यमुखी का बीज लिया है। अब दोनों को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे। 2 सेकंड के लिए ही भुनना है। ये बहुत नाजुक होते हैं, नहीं तो ये जलने लगते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा फाइबर मिनरल पाया जाता है, जो बोन्स को मजबूत रखता है। तो कलर चेंज हो गया है और अच्छे से चट चट की आवाज़ आ रही है। अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो वापस से पैन में हम 2 बड़ा चम्मच खसखस के बीज डालेंगे, जिसे हम पोस्ता दाना कहते हैं, और 1.5 कप नारियल को घिस कर हमने ले लिया है, उसे भी डाल देते हैं, और 1 चम्मच घी डालेंगे और इसे भी लगातार चलाते हुए भुनेंगे। 2 मिनट ही भुनना है इसे। थोड़ा सा कलर चेंज होने तक लगातार चलाते हुए भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है हमें। वापस से 1 चम्मच घी और डालेंगे, थोड़ी सी इस पे शाइनिंग आ जाए, थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए, अच्छे से खुशबू आने लगे। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। गैस अभी बंद है हमारा, पैन गरम है थोड़ा। अब इसको निकाल लेते हैं। तो सेम पैन में वापस से हम फिर 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 कप खजूर लिया है, जिसको हमने गर्म पानी में 1/2 घंटे के लिए भिगा कर रख दिया था, इसके बीज निकाल कर, और इसे मिक्सी में पीस लिया है। इसे भी हम 2 मिनट तक भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर। जो खजूर होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पाए जाते हैं, ज़्यादा इसमें फाइबर पाया जाता है, साथ ही ब्रेन को इम्प्रूव करता है, और ये नेचुरल स्वीटनर होता है। इसमें चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। खजूर अपने आप में बहुत ही मीठा होता है, तो हमने गुड़ और चीनी का यूज नहीं किया हुआ है। ये अच्छे से पैन छोड़ने लगा है, अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें कलर आ गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खजूर से। ये शुगर फ्री लड्डू बना रहे हैं हम। खजूर को चाहे जिस चीज़ में डालिए,
उसमें शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये अपने आप में बहुत मीठा होता है। तो हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया है, अभी थोड़ी देर तक इसको और चलाएंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, अब इसे निकाल लेते हैं। तो हमने निकाल लिया, एक थाली में सारे ड्राई फ्रूट को निकाल कर रख लिया है और हल्का सा ये ठंडा भी हो चुका है। अब इसको हम मिक्स करेंगे, जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप इसको मिक्स करिए, गरम गरम में हाथ जल जाता है। और इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें अपने आप बाइंडिंग बनने लगती है, लड्डू बहुत अच्छा से बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं, अभी हल्का हल्का गर्म है। तो फ्लेवर के लिए यहाँ पर हम एक छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे। अब सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट लड्डू आप सर्दियों में बनाकर ज़रूर खाइएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, साथ साथ हेल्दी भी होता है। आप देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसका लड्डू बनाते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंडिंग बनने लगी है, लड्डू बन रहे हैं। तो ये देखिए लड्डू बनकर तैयार है हमारा। हमने मीडियम साइज का लड्डू बनाया है, आपको जैसे पसंद है छोटे बड़े वैसे आप बना सकते हैं। हमने चार लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है, तो इसी तरीके से सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमने सारे ड्राई फ्रूट को सेम क्वांटिटी में डाला है, कप से ही मेजरमेंट किया था। तो ये देखिए कितने स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हैं। तो आप भी बनाइएगा, खाइएगा, कमेंट करके बताइएगा हमारे लड्डू कैसे लगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू है, इस लड्डू को खाने से हमारे शरीर में बहुत ही एनर्जी भरपूर रहती है पूरे दिन। सुबह एक लड्डू खा लेंगे तो आप जो है पूरे दिन एनर्जी से भरे रहेंगे। तो एक लड्डू मैं तोड़ कर दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बनके तैयार हैं। इस लड्डू को स्टोर करके 2 महीने तक रूम टेम्परेचर पर रख कर खा सकते हैं। बाय बाय। तो